गुना से शैतान से फना से छुटकारा 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 इसी वाज में छुटकारा यीशु नासरी ने दिया छुटकारा यीशु नासरी ने दिया छुटकारा 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 खुदावन हमारे बीच में आप में से वॉलंटियर्स ध्यान देंगे जितने लोग बहरे हैं वो आगे आ जाओ और आराम से आएंगे अगर आपने आत्मा की चीजों को तोड़ा तो आप ही को नुकसान होगा जितने लोग बहरे हैं एक कान से दो कान से आगे आ जाओ अगर कोई सुन नहीं पा रहा मेरी आवाज को तो आप उसका पड़ोसी उसकी फैमिली मेंबर जानता है कि ये बहरा है उसको आगे लेके आओ सुनो मेरी बात अपने हाथों को उठाओ अगर आपको रोग है उस पर हाथ रखो जहां बीमारी है वहां हाथ रखो और मैं आपको डिलीवर होता हुआ आजाद होता हुआ देख रहा हूं वॉलंटियर फ्लो को नहीं रोकेंगे और शैतान नहीं बनेंगे इधर इधर जल्दी जल्दी से जल्दी से जो आ रहे हैं वो जल्दी से बिना कारण कोई नहीं आएगा सिर्फ कानों के रोगी छुटकारा 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 मौत बीमारी पाप का जादू टूटा है मौत बीमारी पाप का जादू टूटा है यीशु जी ने इन सभी को लूटा है और दूसरे सेक्शन में भी जितने बहरे उनको आने दिया जाए कोई वॉलंटियर उन्हें रोके ना रास्ते में पूछे ना लोग समझदार हैं सिर्फ वही आ रहे हैं जो कानों के रोगी ताकि वो जल्दी से आगे आ सके अपने हाथों को हिलाओ एक कमला नामक औरत को मैं देख रहा हूं यहां बैठे खुदावंद का रूह तेरे परिवार को छू रहा अपने हाथों को उठाओ सब जन अगर परमेश्वर इनको छू रहे तो याद रखो वो आपको छू रहे अगर वो एक को हील कर रहे याद रखो वो आपको भी हील कर रहे एक औरत की टेस्टिमनी को मैं सुन रहा था कल उसने कहा कि जब मैं चर्च में आई मुझे उठा के लेके आए व्हीलचेयर पे बनी कैसे लेके आए उसने कहा 3 साल से मैं चल नहीं सकती बेड पे हूं उसे हड्डियों का रोग था उसने कहा जब पिछले संडे पता नहीं थर्सडे के संडे जब मुझ पर ले हैंड हुआ मेरी हड्डियां लूज हुई और मैं 3 साल बाद खुद टॉयलेट सीट पर बैठी हूं 3 साल बाद और वो साउथ इंडिया से आई थी शायद कहां से आई थी और इस संडे वो नहीं आ पाई क्योंकि पिछले संडे वो अपने घर वापस गई और वो टेस्टिमनी देने के लिए हमारे बीच में होंगी जब भी वो आएंगी मैं जानता हूं परमेश्वर क्या कर रहा है आपके बीच में आने दो कोई किसी को पूछेगा नहीं जो आपने अभी जिनके बारे में बताया वो वापस नागपुर चले गए हैं लेकिन उन्होंने वहां से अपनी टेस्टिमनी को भेजा ओके यस वो हम देख सकते हैं अगर आप चाहते ओके स्क्रीन चल रही है सभी ओके स्क्रीन चल रही है और जितने भी ओवरफ्लो वहां चल रही है स्क्रीन ओके चलाओ उस गवाही को आप सबको जय मसीह की 3 साल से मेरे पैर में बड़ी बड़ी गठानियां थी हम 11-7 को पंजाब गए थे और जैसे ही अंकुर नरूला जी ने ले हैंड प्रार्थना किए हैं वह पैर नॉर्मल आ चुके हैं तो मैं चलने लग गई हूँ मुझे 3 साल से बैठना नहीं आता था मुझे 3 साल से लैट्रिन को बैठना नहीं आता था अब मैं बैठ सकती हूँ
और मैं बैठ सकती हूँ। अभी पहले पत्थर के जैसे गठिया थी, परंतु नॉर्मल आ चुकी है। परमेश्वर ने मुझे हील किया है, यीशु जी ने मुझे हील किया है, मैं हील हो चुकी हूँ। ऐसे ही जो भी कोई ये गवाही देखे, जी हाँ, हमारे पास उस दिन का लेख है। ओके, देखो कितना बड़ा इन्होंने आगे लिखा, वो दिखाया नहीं। हाँ, जीसस ने, देखो देखो स्पीड को देखो, यू डेविल कम आउट, यू डीमन ऑफ अर्थराइटिस, गठिया के शैतान निकल आ यीशु मसीह के नाम। थैंक यू लॉर्ड। जोर से तारीफ करो, जोर से। सुना मेरी बात, सॉन्ग को गाओ, सिर्फ वोकल चाहिए मेरे को, क्वायर की और तुम सब की। ओके, वोकल में कुछ ज्यादा आनी चाहिए, अपने हाथों को उठाओ, बस यही है लोग। कॉन्ग्रेचुलेशंस, हालेलुया। अपोस्टल जी, एक बिग टेस्टमनी है इस बहन की। 8 साल से इस बहन का पेट फूला रहता था, जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडी हो, इतना फूला रहता था कहते हैं, और मासिक धर्म की समस्या थी, और परमेश्वर के आत्मा ने आज छुआ और 8 रसौलियां गुप्तांग से बाहर आ चुकी है। सुना श्री ने दिया छुटकारा। ये सर कुछ काट रहा था इनको, कट 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 कट, जैसे मटन काटते हैं ना, कट 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 कट। जो आगे खड़े गाओ, इसको आंखें बंद करो, गाओ। यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, छुटकारा 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 छुटकारा। मौत बीमारी पाप का जादू टूटा है, मौत बीमारी पाप का जादू टूटा है। यीशु जी ने इन सभी को लूटा है, यीशु जी ने इन सभी को लूटा है। अपने हाथों को अपने कानों के ऊपर रखो, दोनों कानों के अंदर अपनी उंगलियां डाल लो, सब जो आगे खड़े हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, आज खुदावंद तुम्हें ये बताएगा कि वो जीवित परमेश्वर है, और ये लोग जान लेंगे कि इस धरती पर जीवित खुदावंद, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह, वो आज भी जीवित है। मैं यीशु मसीह के नाम में कमांड करता हूं, गूंगी बहरी दुष्ट आत्मा को कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। गूंगी बहरी दुष्ट आत्माओं, निकलो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। गूंगी बहरी दुष्ट आत्माओं, वो देखो क्या हो रहा है, निकलो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अंदर आंखें खोल, अपनी आंखें खोल, अपनी गूंगी बहरी दुष्ट आत्माओं, निकल जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कम आउट इन जीसस नेम। तुम लोग यहां होने चाहिए, सबके सब यहां पर, यहां जब कहां काम हो रहा है, यहां पर होने चाहिए सबके सब।
सुना मेरी बात, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में कानों को मैं कमांड करता हूं, चंगे हो जाओ, रिसीव करो इस चंगाई को यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के नाम में मैं कानों को कमांड करता हूं, चंगे हो जाओ राइट नाउ और सुनने लगो। मैं नए पर्दों को बोलता हूं कानों में आए। मैं नए पर्दों को बोलता हूं वो कानों में एंटर करें। मैं नए पर्दों को कमांड करता हूं आपके कानों के अंदर जाएं, इन्फेक्शंस खत्म हो जाएं, हीलिंग आपकी बॉडी के अंदर एंटर करें। कान अभी सुनने लगे, अभी कान सुनने लगे, अभी कान सुनने लगे, अभी कान सुनने लगे। जादू और टोना खत्म हो यीशु के नाम में, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। ये आमीन जितना ऊंचा ये कान उतना बड़ा खुलने वाला है, ये आमीन जितना ऊंचा ये कान उतना बड़ा खुलने वाला है, ये आमीन जितना ऊंचा ये कान उतना बड़ा खुलने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, तारीफ करो जोर से। इनको लेके जाओ उधर जहां साउंड से दूर है, जाओ सभी जन, सभी जाओ अपने आप को चेक करो। मैं आपको गारंटी देता हूं जितनी टेस्टमनीज आने वाली यहां पे जगह नहीं होगी, इतनी ही टेस्टमनी आने वाली। आज आपको मालूम होगा कि बहरों को चंगा करने वाला परमेश्वर जो बाइबल में था वो आज भी है। ये फ्री है सिस्टर, ये वाली सिस्टर फ्री है टोटल, ये वाली इसकी शक्ल नोट करो, ये फ्री है टोटल। जाओ 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 चेक करो अपने आप को, जाओ देखो अभी भी आत्मा में लोग और कैमरामैन टोटल डफर है यहाँ के, उनको मालूम नहीं कौन आत्मा में है, क्या करना है। और यहां खड़े हैं स्टेज के ऊपर, और देखो लोगों पे कैसे पवित्र आत्मा उतरा हुआ है राइट ना हो, जो लोग हील देखो कैसे वो, उनको मालूम नहीं कैमरामैन हो, कैमरामैन यहां लगता है पाप में है, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी। अगर वो पाप में ना हो तो उनको मालूम हो किस पे पवित्र आत्मा उतरा हुआ है, कैसे खुदावंद काम कर रहे जो लोग जा रहे। देखो अभी भी राइट ना, अपने हाथों को उठाओ हिलाओ। मैं हड्डियों के रोगों को एक कूले के रूप में निकलता हुआ देख रहा हूं। यीशु नासरी ने दिया, मीडियम वर्शिप करें। यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, सुनासरी ने दिया छुटकारा। मांगो जो मांगना अपने हाथों को उठा के। यीशु नासरी ने दिया छुटकारा। क्वायर अपने 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 नीचे कर लो माइक, अपने हाथ पकड़ लो एक दूसरे के, क्योंकि मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा आपको छू रहे और आज सामर्थ्य दे रहे वो। और मैं देख रहा हूं क्वायर में, मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को और आपके गले को परमेश्वर खोल देगा। हाथों को पकड़ लो, बहन बहन के, भाई भाई के। वो कह रहा मैं तेरी आवाज को ऐसा मनोहर बनाऊंगा कि लोग सुनते रह जाएंगे। वो कहता मैं तेरी आवाज को मसे के साथ भर दूंगा। वो कहता मैं तेरी आवाज को हीलिंग के साथ भर दूंगा। वो कह रहा भाषाओं में कह रहा है सुखेंद ने खाना नमा सुखे, सुखेंद ने खाना ना खुश सुखेंद, सुखेंद ने मा खुश सखा खाना खा से मा खान देना बस खाया। यीशु नासरी ने दिया छुटकारा,
Lakasama kanda nama kasama kande nama kuseme. Sukende ne kanda nama sukandia. Lebro sota la bakana. Nengro sota la barakana nama sakriandia na. Go on the cameraman. Wakara sukende, sukende kene. Wakara sukende kene. Wakara sukende kene. Wakara sukende kene gar bhasha me. Wakara main teri awaaz ko manohar kar dunga. Wakara main teri awaaz ko masse se bhar dunga. Wakara main teri awaaz mein healing bhar dunga. Na bala bara khanda na bala ra bala ra bala sa kama khanda na bana na masi khandiya na. Yeshu Nasrine, Yeshu Nasrine, diya chutkara. छुटकारा 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 सुकुदर अपने हाथ पकड़ो दोनों इन द माइटी नेम ऑफ जीसस रिसीव करो इन द नेम ऑफ जीसस रिसीव करो इन जीसस नेम थैंक यू लॉर्ड ओ जीसस कैमरामैन पुअर कैमरामैन पुअर वो कह रहा सुखेंद्र ने सुखेंद्र ने सुखेंद्र ने सुखेंद्र ने खाना ना मसुखंदा वो कह रहा मैं तो आवाज को मसे से भर दूंगा आपके आपके पीठ के नीचे की हड्डी हील हुई है आप एक भाई हैं आपकी दाढ़ी है और आप शुरू से दाढ़ी रखते आए हैं वो भारी नहीं है दाढ़ी और मैं आपको हील होता हुआ देख रहा हूं एक भाई को मैं देख रहा हूं आपको ब्लड की उल्टियां आती हैं ब्लड की आपको ब्लड की उल्टियां आती हैं आपको ब्लड की उल्टियां आती मैं देख रहा हूं और मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा आपको छू रहे और चंगा कर रहे मैं एक औरत को देख रहा हूं व्हील चेयर के ऊपर उसकी हड्डियां जैसे रिस्पांस नहीं देती उसको सूख चुकी है जैसे और बाइबल बता क्या कहती है वो कहती वो तेरे शरीर को भला चंगा और तेरी हड्डियों को पुष्ट करेगा और जब इंग्लिश में पुष्ट को पढ़ते तो लिखा मॉइस्ट करेगा तुम्हें मॉइस्चर देगा तुम्हारी हड्डियों को ग्रीस कर देगा इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट इनकी हड्डियां सूख चुके हैं यीशु के नाम में ग्रीस को हासिल करें यीशु के सामर्थ्य नाम में हड्डियां चले यीशु मसीह के नाम में मैं देख रहा हूं उन हड्डियों को व्हील चेयर से उठते हुए मैं देख रहा हूं उन हड्डियों को जो चल नहीं सकते यीशु के नाम में व्हील चेयर से उठते हुए मैं देख रहा हूं उन हड्डियों को चलते हुए उठो चलो इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट हालेलुया अपोस्टल जी इस भाई के जैसे अपने पैरों के लिए खास प्रार्थना की 7 साल से दोनों कान बंद थे डॉक्टर ने बोला था मशीनें लगेंगी मशीनों के साथ ही आप सुन सकते हैं लेकिन आज जैसे पुलपिट पे प्रार्थना हुई तभी दोनों कान पूरी तरह से खुल चुके हैं हालेलुया नेक्स्ट टेस्टिमनी इस भाई के भी 4 साल से लेफ्ट कान पूरी तरह से बंद था लेकिन आज जैसे प्रार्थना हुई पूरी तरह से कान खुल चुका है 7 साल से इस भाई के भी दोनों कान बंद थे मशीनों का सजेस्ट किया था डॉक्टर ने okay. और आज पूरी तरह से दोनों कान खुल चुके हैं आने दो आज लाइन लगने दो इस भाई का 6 साल से राइट कान पूरी तरह से बंद था बिल्कुल नसें बहती डॉक्टर ने बोला था कि नसें जो है वो दबी हुई है जिसकी वजह से आपको सुनता नहीं और आज पूरी तरह से सुन पा रहे हैं कौन सा कान था इनका इनका राइट कान था आ जाओ ऊपर आओ अपोस्टल जी इनका लेफ्ट कान से नहीं सुनता था आज कान खुल चुका है इस भाई के दोनों कानों में इन्फेक्शन थी जिसकी वजह से बिल्कुल नहीं सुनता था दोनों कान खुल चुके हैं अच्छा चुप करना सभी इस आप में कौन पहली बार आया पहली बार आप में आ जाओ एक जना आ जाओ पज के फटाफट हुसैन बोल टंगू आ जाओ लेडीज आने दो क्यों रोकते हो आने दो ए वॉलंटियर बीमारियां तुमको नहीं क्या दिक्कत है आंखों के साथ आई कांटेक्ट रखो मैं क्या बोल रहा हूं ओके आप इधर रहो जब बहन की गवाही आएगी आपको मैं बता आप पहली बार आए ओके इनका इनका राइट कान जो था वो नसे दबी थी डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला कुछ भी बोला मशीन बोला आप लेफ्ट कान के अंदर ऐसी उंगली डालो कि उनको लेफ्ट कान से सुन ना सके अपनी जिम्मेवारी से जोर से लेफ्ट कान में क्योंकि इस कान से नहीं इस कान से सुनता था ये कान बंद था हाँ ये
कैमरामैन भी डफर, ये भी डफर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये एक टेस्टमनी, रुक जाओ अभी, ये एक टेस्टमनी, टेस्टमनी रोको मत, कानों वाले आने दो, एक एक लाइन में उनकी गवाही दे दो, आने दो। अपोस्टल जी, ये बहन पहली बार है, 12 सालों से नहीं सुनता था, खुद हैरान है, दोनों कान 12 साल के बाद खुल आ जाओ, रोकनो अभी, अभी यही रहना भाई, अभी कहाँ चले, अभी यही रहना है, आज मेरे साथ लंच है, हाँ इधर ही रहो, आ जाओ। अपोस्टल जी, 16 साल पहले इनके लेफ्ट कान में एक तीला बच गया था, ये कहते हैं तभी से पर्दा फटा हुआ था, सुनता नहीं था, 16 साल के बाद कान खुल चुका है। आ जाओ आ जाओ, ऐसे मत करो, प्रभु के सामने झुको, मेरे सामने आ जाओ। अपोस्टल जी, ये भी फर्स्ट टाइम चर्च आए, जब से इनका बर्थ हुआ 40 साल की उम्र, 40 साल के बाद लेफ्ट कान खुला है, आज पहली बार, बहरे को खुदा ने चंगा किया, आज बहरे को। आ जाओ आ जाओ, अपोस्टल जी, बचपन से ही इस बहन के दोनों कानों के पर्दे फटे हुए थे और सुनता नहीं था, आज डॉक्टर ने इनको ऑपरेशन के लिए बोला हुआ था, जैसे ही हमने प्रार्थना की दोनों कान खुल गए, प्रॉपर सुन पा रहे हैं, ये क्या हुआ? पापा आज मैं आई सी, मेरे तुसी मेरे मतलब मैं गवाही देनी ही, बारिश के करके मेरी गवाही, मेरे मतलब इथे कमर ते दर्द हुंदी सी, तू ही प्रोफेटिक की। ओके, आपको आज क्या हुआ बताओ? आज पापा मेरे मेरे कान दी, मेनू ही पता, मेरे कान मेनू 70% सुनाई दिंदा वा, 30% मैं नहीं सुन सकती, मैं जॉब करती हां, मैं जो तो मेरे तो कोई अंदर आंदा, इतना टाइम नहीं है आपको, देखो लाइन लगी हुई पीछे, आज मैं उन्होंने चेक किया, थोड़ा हो जिता बोला, मैंने सुनाई देता मैं। जीसस, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब असल ये बहन भी एक साल से इनको राइट कान से नहीं सुनता था। जिसको माइक दो वो प्रीचिंग करना चाहता है, क्योंकि हर बंदा भरा हुआ है सामर्थ से, और पूरी तरह से हील हो चुकी है ये बहन। 12 साल से इस भाई के जो है कान के पर्दे गले हुए थे, डॉक्टर ने ऐसा बोला था ऑपरेशन होगा, 12 साल से सुनता नहीं था, दोनों कान खुल चुके हैं। 4 साल से राइट कान से इस भाई को नहीं सुनता था, चर्च जोर से तारीफ करे, खुल चुके हैं कान। अपोस्टल जी, ये दोनों हस्बैंड वाइफ, मेरी बात टेस्टिमनी सुनते, ये दोनों हस्बैंड वाइफ, और दोनों को ही एक एक कान से सुनाई नहीं देता था, जैसे ही प्रार्थना ही, इस कपल को पूरी तरह से सुनाई दे पा रहे हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, स्टेज पे लेके जाए, स्टेज पे लेके आओ, स्टेज पे लेके आओ। हालेलुया, वो देखो व्हीलचेयर पीछे, वो देखो व्हीलचेयर, ये बच्चा 8 साल का है और कभी नहीं चला था, लेकिन जैसे ही आपने बोला कि आज लोग व्हीलचेयर से उठेंगे, तभी ये बच्चा व्हीलचेयर को छोड़कर चलने लगा है। छुटकारा यीशु नासरी ने दिया, छुटकारा 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 छुटकारा। गवाही देने दो, आज बहुत लंबी गवाही है, आज जल्दी जल्दी से कानों की टेस्ट।